आप सब लोगों को गोपाला जी का नमन। फॉर्चुनेटली आज मैं मेरे भ्राता भ्रातुल्य कहूँगा इनको, आचार्य शास्त्री जी, और विद्वता की मैं तारीफ नहीं करूँगा, बहुत एक बहुत ही छोटी सी बात हो जाएगी अगर मैंने इनके तारीफ में ज़रा से भी कशीदे पढ़े। इनके जिन्होंने पहले वीडियोज़ देखे हैं, इस वीडियो से पहले वो वाले वीडियो देख लीजिएगा। मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि आज जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी, विशेष रूप से परिवार में देखते हैं आप, सेपरेशन्स हो रहे हैं, एमिकेबल रिलेशन्स नहीं हैं, तनातनी हो रही है, विशेष रूप से हस्बैंड वाइफ में या सास बहुओं में, उससे रिलेटेड ये वो चीज़ें जो प्रैक्टिकली इन्होंने अनुभूत करी अपने जीवन में। मैं चाहूँगा कि मैं अपना समय आपका ज़्यादा नहीं लूँ, मैं आचार्य जी से कहूँगा कि इस विषय में आप कुछ प्रकाश डालें और बताएं ताकि जन कल्याण हो। बहुत त्रस्त हैं लोग बाग, आप जानते हैं, आप भी इस चीज़ को महसूस करते होंगे। सुनिए आप लोग क्या कहते हैं आचार्य जी। सबसे पहले तो भाई गोपाल राजू का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ श्री पीताम्बरा विद्यापीठ सीकरी तीर्थ पधारे और इस विषय पर चर्चा करने के लिए पधारे। मूलतया यह सच है कि आज ग्रहों की गति कुछ ऐसी हो गई है कि प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष क्लेश में है और उस क्लेश का निवारण वो सर्च करते करते, तलाश करते करते वो सभी जगह जाता है, भटकता है, उसके साथ धन का भी दोहन होता है, लेकिन ऐसी स्थितियां नहीं आती कि उसकी समस्याओं का समाधान हो सके। अभी गोपाल भाई ने कहा कि यहाँ ग्रह क्लेश पर कुछ मैं आपको रेमेडीज दूँ, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज कहता हूँ, बात बहुत छोटी सी है। पति पत्नी में, परिवार में, पिता पुत्र में, माँ बेटी में, सास बहू में, देवरानी जेठानी में, ननद भौजाई में, सामान्यतया एक दूसरे के प्रति रस्साकसी जैसी एक अवस्था रहती है और यह बिल्कुल एक आम धारणा बन चुकी है कि सास खराब है और माँ अच्छी है, वहाँ माँ खराब है और सास अच्छी है, ऐसी स्थिति कहीं सुनने को भी नहीं आती है। और पति पत्नी में तो विशेष रूप से आज काम काजी दुनिया है, पति पत्नी दोनों ही काम करते हैं और दोनों में किसी ना किसी छोटी छोटी बातों को लेके विवाद हो जाता है और वो विवाद बढ़ता बढ़ता वो उनके संबंध विच्छेद करा देता है। तो मैं एक छोटा सा उपाय, जो अनुभूत उपाय है, मैंने हजारों लोगों पर इसका अनुभव किया है और यह एक विशुद्ध सफल उपाय है, सात्विक उपाय है। किसी भी प्रकार का कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको इसका नकारात्मक प्रभाव मिले, हाँ यह विशुद्ध तंत्र है और इस तंत्र से आप एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको देता हूँ। दिन के समय में ये उपाय उनके लिए है जो पति पत्नी का विवाद है, ये उपाय पहले उनके लिए है। बहुत उपाय करने के बाद भी जिन पति पत्नियों का सामंजस्य न हो पाया हो, ये उनके लिए है। आप जो चोटी की जगह बाल होते हैं, 5 बाल जड़ से उखाड़ें अपने और 5 बाल अपने पति के जड़ से उखाड़ने का निवेदन करें। इसमें न पति को हानि होगी न पत्नी को हानि होगी। यह कोई भ्रम ना करे कि पति को किसी प्रकार की हानि हो जाएगी तो पति अपने केश नहीं निकलवाना चाहे या पत्नी अपने केश नहीं निकलवाना चाहे। केवल 5-5 बाल जहाँ चोटी है, चोटी के स्थान से 5-5 बाल केवल लेने हैं और वो 5-5 बाल आप उन्हें चुटिया की तरह गूंथ दें। जैसे महिलाएं चोटी गूंथती हैं ना, तो ऐसे उनको वेणी बोलते हैं संस्कृत साहित्य में, उसको वेणी कहा है। तो उन्हें आपस में चोटी की तरह गूंथ दें और उनको चोटी की तरह गूंथने के बाद इस पहली उंगली पर, ये जो उंगली है, इस उंगली पर आप उन्हें गुथे हुए बालों को लपेटें और जब ये लिपट जाएंगे तो पुरुष के बाल अक्सर छोटे होते हैं, स्त्री के बाल बड़े होते हैं, तो वो स्त्री के बाल उसमें
ऊपर तक कवर करेंगे और पुरुष के बाल उसमें नीचे दब जाएंगे। ऐसे करके उसे आप फिर बाहर निकाल लें और उसको फिर एक राउंड ऐसे दें और उसको उल्टे हाथ में यहाँ दबा के रखें ऐसे। नहीं, ये जो आपने बताया ये लेफ्ट हाथ में करना है या राइट हैंड में? ये जो लपेटना है ये राइट हैंड पे लपेटना है। राइट हैंड की उंगली इंडेक्स फिंगर में, इस पर इंडेक्स फिंगर, हाँ तर्जनी उंगली, हाँ जी ठीक है। और जब उसको रखना है तो तर्जनी और अंगूठे के बीच दबा के रखना है। ओके, ऐसा दबा के रखने के बाद आप अपने कुल में जो भी, क्योंकि बहुत से लोगों को अपने ना तो ये पता है कि उनके कुल देवी कौन है, ना ये पता है ना कि कुल देवता कौन है, तो ऐसे में जो भी कुल देवी और देवता हैं अगर आपको मालूम है तो आप उनको नाम से उनका आवाहन करके उनसे प्रार्थना करें। यदि नहीं मालूम है तो आप केवल अपने कुल देवी और कुल देवता के प्रति नतमस्तक होते हुए ऐसा भाव अर्पित करें कि हम त्रस्त हैं, हमसे जो अपराध हुए हैं उन अपराधों को हमारे क्षमा कर दें और हमारे घर में सुख शांति करें। ऐसा यदि करेंगे तो हम आपके लिए एक किसी भी मंदिर में या किसी भी जगह जहां कोई गरीब व्यक्ति होगा उस व्यक्ति को हम यथासंभव भोजन कराएंगे और आपकी कृपा के लिए हम जो आप हमें अन्य आज्ञा कोई हमें स्वप्न में आकर देंगे हम वो भी पूर्ण करेंगे, ठीक है। ऐसा करके और एक 50 ग्राम की किसी भी शहद कंपनी की कोई एक शीशी ले आए, कांच की शीशी हो, प्लास्टिक की ना हो, ठीक है। और ये ध्यान रहे कि वो शहद हो, वो ना हो कि चीनी से जो आजकल शहद बन रहा है ऐसा शहद ना हो। मैं किसी कंपनी का इसमें नाम नहीं लूंगा, मधु, लेकिन शुद्ध मधु होना चाहिए। हाँ, वो शुद्ध मधु उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो वो जो केश आपने लपेट के रखे हैं वो केश उस शीशी का ढक्कन खोलें और उसमें पिरो दें, अंदर डाल दें। डालने के बाद ये जो आपकी ये अंगुली है जिसको हम अनामिका कहते हैं, रिंग फिंगर, इस अनामिका उंगली को उसमें डुबो दें शहद में, ठीक है। और शहद में डुबोकर उसको नीचे, वो जो केश ऊपर तैर रहे हैं उन्हें नीचे तक पहुंचा दें। नीचे पहुंचा के शहद वहां जितना पोंछ सकते हैं पोंछ लें और शेष शहद थोड़ा सा अपने माथे पर टीका लगाएं और यदि संभव हो तो अपने पति या पत्नी के माथे पर भी वो टीका उसी तरह का लगा दें, ठीक है। उसके बाद उस शीशी को बंद करें और किसी काले कपड़े में लपेट कर या गहरे लाल कपड़े में लपेट कर उसे अपने घर में जो भी आपके कोई नीचे जहां अंधेरा रहता हो, जैसे आपका कोई बड़ा संदूक है उसके नीचे के सिरे में आप उसे रख के और उसे भूल जाएं कि वो हमारे पास है, या आपकी सेफ में जो लॉकर होता है उस लॉकर में रख के उसे भूल जाएं कि आपके पास वो है, या जहां भी आपके घर में पश्चिम दिशा में कोई अगर कच्चा है तो वहां उसे थोड़ा एक फुट खोदें और उसे दबा दें, दबा के भूल जाएं कि वो आपके पास है, ठीक है। ऐसा करने से आपके घर में जो कोहराम मचा हुआ है वो धीरे 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 वो उसकी नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी और आपका पति पत्नी का संबंध अच्छा होगा और वो गृहस्थी आपकी मधुर संबंधों के लिए मधु। एक तो ये बात हो गई, हाँ। इसमें दूसरा पहलू ये है, हाँ। मान लीजिए अगर दोनों सहमत नहीं है दोनों में से कोई एक, हाँ, तो उसमें क्या करें? ये लड़का लड़की के लिए भी कर सकता है, लड़की लड़के लड़के के लिए भी कर, दोनों ये, का ये, ये केवल पति पत्नी के लिए है? नहीं, लड़का लड़की के लिए करे, लड़का लड़की के लिए भी कर सकता है, लड़की लड़के के लिए भी कर सकती है, दोनों चीजें दोनों कर सकते हैं। सहमत नहीं है, हाँ, अब ये सहमत नहीं है तो बड़ी समस्या एक आती है, किसी प्रकार से अगर आपके माता पिता हैं तो उनसे प्रार्थना करें कि उसके चोटी के बाल मिल जाए, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि उनसे वो, क्योंकि हर पिता या माता जो है अपने पुत्र पुत्री का सुख चाहता है। और अगर ये ऐसा नहीं हो पा रहा है तो तब ये प्रयोग नहीं हो पाएगा, काम नहीं करेगा। उसके लिए चलिए दूसरा वीडियो बनाते हैं, हाँ। ये तो जब है, जब दोनों की रजामंदी हो, हाँ।
नहीं, रजामंदी क्या, रजामंदी भी उनको दोनों को पता हो एक दूसरे को नहीं। आप ये हो सकता है कि पति पत्नी एक दूसरे के संबंध होते हैं और अगर सुख के लिए इसका सदुपयोग करना है तो क्योंकि क्योंकि आप अपने पति के हित में चाहती हैं और पति अपनी पत्नी के हित में चाहता है तो ये बाल आप दोनों उनसे छिपके भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे इसका दुरुपयोग करने पे ये बुरी तरह से ये हानि भी करेगा, इसलिए ये ध्यान रहे कि केवल सुख के लिए, आपसी सुख के लिए इस प्रयोग का मतलब केश अगर बिना पूछे उसके लिए जा रहे हैं तो उसी स्थिति में के उसके लिए एक संबंध जारी रहे और मधुर संबंध रहे। ये तो आपकी एक बात हो गई, इसका फिर दूसरे वीडियो बनाते हैं। हाँ। आप लोग देखते रहिए गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, नोटिफिकेशन बेल में प्लीज़ क्लिक जरूर कर दें, इससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे हमारे। और मैं दूसरा वीडियो देखिए लेके चलता हूँ, इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी चीज़ बताएं जहाँ पे संभव नहीं है। अगर मान लीजिए पति कहीं है, पत्नी कहीं है, डाइवोर्स की स्थिति में है कहीं, ये डाइवोर्स हो गया है उसके बाद में संभावनाएँ बन रही हैं उनकी रीयूनियन की, उसके लिए क्या करें, वेट कीजिए दूसरे वीडियो के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।